हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आप सब देख रहे हैं सृष्टि रावत एंड फैमिली व्लॉग। सो आज है आराध्या के स्कूल में, जो जीआर कॉन्वेंट स्कूल है, आज वहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, जहाँ की हमें जाना था। सो आज दीदी के भी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सो मम्मा गई हैं आराध्या के साथ स्कूल, एंड यूनिफॉर्म भी उसको मिलनी थी, जो विंटर्स यूनिफॉर्म होती है। सो आज बहुत सारा इनको काम करना है स्कूल में। सो यहाँ एग्जीबिशन भी है, साइंस एग्जीबिशन, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो वीडियो में एंड ज़रूर बने रहें और बच्चों को ढेर सारा प्यार दें। कहीं देखते हैं पहले ये क्या बना रखा आपने, बताओगे? कहाँ से आएगी ठंडी हवा, यहाँ से बाहर? तो और ये क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कर रहा है? यहाँ पे इधर, यहाँ पर से, यहाँ से फैन चल रहा है ना, यहाँ पे इसकी बैटरी। वेरी नाइस, गुड, बहुत बढ़िया बना रहा है वो वाला। ये पिन सेम है, रिफ्लेक्शन दिख रहा हूँ उसका। अच्छा, यहाँ से ये है, बहुत बढ़िया बेटा। नाम क्या है आपका? सिद्धार्थ। अच्छा, ये भी वही है फैन वाला। कोई बात नहीं, वहाँ पे फिसल रहा ना। राम सिंह बड़ा सही रखा, अच्छा रखा। नाम क्या है आपका? सिवाय आगे सिवाय पांडे, बहुत बड़े। ओके, ये किसका है? ये तो आई नहीं रहा आगे बच्चा, आप भी बताओगी? नहीं, चलो फिर आगे चल लें। आप बताए तो उसका नहीं, आप अपनी चीज खुद उठाते। ये क्या है? सोलर सिस्टम, बताओ इसके बारे में। बताना बेटा, ये सोलर सिस्टम के बारे में कैसे बनाया गया? आपका नहीं है, मेरे भाई का है, वो भी कहीं गया है। हेलो, कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया बनाया, ठीक है। और इन्होंने बना रखे हैं ये, वाटर बताओगे इसके बारे में? मोटरसाइकिल के मास निकाल लो ना, अब बताओ फटाफट। ये मोटरसाइकिल जैसे पानी एवेपोरेट होता है सी से, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, वो पहाड़ में जाता है, उसको नदी में आता है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं प्योरीफाई करके पीने के लिए। ओके, नाम क्या आपका? आशीष। और तुम्हारे साथ का? ये साहिल है। आपको क्या है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज एन एलिमेंट टेबल इन विच देयर आर 30 एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर एंड सिंबल्स। आपने बना रखे हैं पूरे। एंड देयर इज अ गेम, एंड देयर इज अ गेम बाय एलिमेंट बिंगो, तो वुड यू लाइक टू प्ले द गेम? मैम आप गेम खेलना चाहती हो? ना बेटा, गेम तो नहीं खेल, मैं वीडियो बना रही हूं, ठीक है? ओके ओके, बहुत इम्पोर्टेंट। आज दीदी नहीं आई ना मेरे को, तो मैं गेम भी गुड मॉर्निंग मैम, ये एसिड है और ये बेस है, तो हमें अभी पता लगाना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो हम इसका इंडिकेटर्स की तरह करेंगे। अगर इसमें डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। अब ऐसे डालेंगे ना उसमें? एक बार मैंने छोड़ दिया।
व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा ऐसे डार्क। हाँ बहुत बढ़िया। नाम क्या है आपका? अंशिका महातो। तुमने मास्क लगा रखा है। आपका? लंग्स के है ना। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आप तोड़ सको छवि, वेरी गुड। आप बताओ जी क्या है आपका? सोलर सिस्टम है ये, चलाओ उसको। या इधर देख करके चला जरा, ये सन की उससे रेस चलेगा ना। ये वाला इसके साथ टेढ़ा हो गया तुम्हारा, ये हैं बैलेंस नहीं हो रहा उसका सही से, लेकिन अच्छा बना रखा आपने। और ये और जब सन से हीट वाटर में पड़ती है तो वो भापन के ऊपर उठता है, और वो जब क्लाउड में चल जाता है, जब क्लाउड स्टीम से पूरी भर जाती है फिर रेन होती है। ओके आपका क्या है? बताओ इसके बारे में। बताओ आपने बनाया ना, तो फिर आपको याद होना चाहिए क्या है इसके बारे में, बताओ जरा जल्दी से। नहीं है मानो, चलो बनाया आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताओ बेटा। लंग्स वाला बना रहे थे, लंग्स फट गया। अरे तू तो वो है, क्या नाम है तेरा? ये तो मेरा स्टूडेंट है भाई। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कब से आ रही मैं नंबर? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक वाला है क्या? ये बैटरी से चलता है, बैटरी इलेक्ट्रिक से ना। चलो बढ़िया बनाया तुमने। और आपने क्या बनाया? ये क्या है भैया? किसके बारे में? मतलब क्या है, क्या काम करता है, किस लिए बनाया? इसके अंदर से लावा निकलता है जब ये फूटता है। अच्छा ज्वालामुखी। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वैष्णवी उपाध्याय फ्रॉम क्लास 6B। ओके, वी हैव क्रिएटेड अ साइंस प्रोजेक्ट ऑन वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, कूल्स एंड कंडेंस into a rain or snow in clouds and falls again into the surface of presentation. A water cycle is also known as hydrological cycle. Thank you. Okay. So rain ka, clouds ka, sab hai isme. Good morning ma'am. My name is Kritika Tyagi from class 6B. I am reciting a few lines of CCC. My science project is for CCC. CCC full form is solar system. क्या है ये? अच्छा कूल, अच्छा अच्छा ओके। वाह वेरी नाइस। हवा भी दे रहा? हवा तो नहीं दे रहा, मैं पास पास लगाना पड़ेगा, मिनी है ना। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ये किसका है? हाँ मैं आज दीदी नहीं आई ना, कुछ काम पड़ गया उसका, उसने कहा वीडियो बना के ले आना। ठीक है अब इनके पास आते हैं, आप बताओ। ये हमारा वैक्यूम क्लीनर है, ये अच्छा, ये सारा कचरा जो करता है ना उसमें। जी जी ओके। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज मेड अप ऑफ पेपर पेंट एंड वाटर, व्हेन यू पुट सम वाटर ऑन इट डजंट शिंक बिकॉज ऑफ बल्ज वाटरप्रूफ पेंट एंड द विंग्स फॉर मूव द डायरेक्शन।
ओके ओके एक सेकंड हाँ महीने में समीर सैफी दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रेन वाटर इसमें से आके मतलब ये वाटर टैंक है ना यस मैम एंड ये फिल्ट्रेशन टैंक है यहाँ से फिल्टर हो गए गुड मॉर्निंग ओके वेरी गुड वेरी गुड हाँ जी चलो पहले इसका भी कर लेते हैं बोलो पहले अपना नाम व्हाट इज योर नेम शुरू से बोला गुड मॉर्निंग मैम बोल गुड मॉर्निंग मैम माय नेम इज आराधना फ्रॉम क्लास 6 ये पिनोल कैमरा कैसे रवि तो यहाँ लाइट रिफ्लेक्शन पड़ेगा अब मैं आपको दिखाने चाहती हूँ कि ये अच्छा है हाँ धूप में होगा ना एक लड़की ने मेरे को उधर दिखा दिया ठीक है ओके अच्छा बनाया आपने अब धूप में वहाँ से हो रहा है उसका लाइट का आप बताओ कि मैं किधर आ रही है दो छोटी मेरे को हम ओके अब बोलो जोर जोर से बोलना हाँ गुड मॉर्निंग मैम माय सेल्फ वेजिटेबल्स फ्रॉम क्लास 6 टुडे आई एम गोइंग टू सी टेल यू सम न्यूज़ अबाउट वाटर साइकिल आज रिवर है रिवर लेक स्ट्रीम्स होती है जब इसमें सूरज की रोशनी पड़ती है ये भाप के तौर पे ऊपर होती है जिससे हमारे बादल बनते हैं और जब ये ऊपर होती रहती है सूरज की रोशनी से भाप दूर ज़्यादा होती रहती है जिससे बादल पूरे फूल भर जाते हैं जब वो फूल भर जाते हैं उसमें तो वो बारिश करते हैं हाँ फिर वो फट जाते हैं बारिश थैंक यू गुड मॉर्निंग एवरीवन दिस इज सोलर इरिगेशन एंड इसमें क्या होता है जो सन है सन की जो सनलाइट होती है वो सोलर पैनल पर पड़ती है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनती है इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलती है मोटर से पानी आता है फिर पानी से हम इस पर डाल सकते हैं इसको सोलर इरिगेशन और ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है इस लेयर में वेदर चेंज होता है और इस लेयर में ओजोन गैस होती है ओजोन गैस और इस लेयर में ये थर्ड लेयर है इसमें स्पेस की मूविंग होती है और इस वाली लेयर में स्पेस शटल चलती है और इस वाली लेयर में स्पेस शटल चलती है इस वाली लेयर में कुछ नहीं होता है इसमें ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है थैंक यू हाँ बोलो बेटा कुछ बोल रही थी सृष्टि रात एंड फैमिली ब्लॉग अब मेरी और दीदी की फोटो होगी सृष्टु सृष्टु करना वैसे वैसे सृष्टि में भी आ जाएगा सृष्टु ठीक है SHRISTU सृष्टि राधा एंड फैमिली ब्लॉग ठीक है तुम्हारा ये वीडियो बनेगा फिर देख लेना ठीक आपका हो गया बोलो बेटा जोर जोर से बोलना ताकि सुनाई दे आपकी हाँ अच्छा ये खाली मतलब आप इसको खींच रहे उसी से चल रहा है ना अच्छा इलेक्ट्रिक भी है उसमें अच्छा ये आपका ही है वही मेरा मेरा स्टूडेंट है पीछे पीछे भाग यहाँ पे बहुत सारे हैं मेरे स्टूडेंट अब पीछे भाग रहे हैं देखना बोल इसके बारे में यहाँ पे जो है ना आधे से ज़्यादा मेरे स्कूल से हैं प्ले स्कूल है ना मेरा तो आधे से ज़्यादा मेरा वो उनका लड़का भी है घर से थोड़ा अब मेरे बच्चे यार पीछे पीछे भाई मेरे को देख रहे पीछे पीछे जा रहे हैं बोल कहाँ गया वो इधर आ बोल यहाँ पे बोल इसके बारे में ये इसका कौन सा है ये इसने बनाया इसने बनाया आपने कौन सा बनाया नहीं बनाया इसके साथ मदद करिए ना हेल्प करिए ना अब बता फिर बता क्या हेल्प करी आपने वो बताओ आप मैं भी तो देखूँ आप क्या सीख रहे हो चल बता पहले इसी को बोलने देना है बोल ऐसे ही बता दे आपने ये चीज़ कैसे बनाई क्या बनाई चल वो तुझे इतना याद नहीं है क्या है वो मैंने इस को पहले इसे लगाया फिर
चल रहा है, चला के दिखाइए भाई, इतना बहुत है भाई, चला दिया आपने, थैंक यू। अब आप बताओ पहले अपना नाम। माय नेम इज सनिक्स त्यागी, आई लिव इन मकानपुर इंद्रपुरम। इसमें मैंने वायर को फिट करा और उसे यहाँ पे पक्का लगा दिया। फिर यहाँ पे इस तार को मैंने ये बैटरी में डाल के इसको यहाँ पे ऑन करा, उससे मैंने इसको यहाँ पे ऑन जैसा बनाया और इसको ऐसे क्लिक करके और ये चल जाता है। ये मतलब इलेक्ट्रिक उससे ही चलेगा, सोलर सिस्टम उससे भी चलेगा, सन वाला नहीं है? नहीं ये इलेक्ट्रिक वाला। ओके ओके, आपका? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज राहुल सोनी फ्रॉम क्लास 6। अगर ये चलता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक इज अ टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस यूज केमिस्ट्री एंड अदर साइंस इन्वॉल्व द मटेरियल improvement and for liquid and at a very basic level hydraulic is at the liquid contenter of pneumatics which contenter gas. It is a control system of transmission of energy. Thank you so much. Okay, यहाँ से मतलब जैसे आपने गैस वो पंप किया तो ये एक एनर्जी टाइप है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, जिससे कि हम लोग इसी के आधार पे बनाए ये, जब हम लोग इसकी मदद से है, जब हम लोग इसको एनर्जी जब डालेंगे तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसके आधार पे ये इस पे घुस जाएगा, इसकी वजह से ये उठेगा, ये मतलब ये एनर्जी इनको सपोर्ट कर करके वो करेगी ना। ठीक है, ओके, गुड गुड। आप बताओ बेटा, साइंस का बड़ा वो डॉक्टर बनेगा बेटा? एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसकी वजह से ये प्रेशर की मदद लेता है और ये एनर्जी आपकी वजह से प्रेशराइज की वजह से ये एनर्जी टाइप है जिससे प्रेशराइज से ये दूसरे में एनर्जी टूडे आई मैंने मदद कर दी। इट इज कॉल्ड द मिनी एसी। मिनी एसी, वी कैन ऑन दिस स्विच, द कूल डाउन एयर इज कम आउट, यू कैन टच दिस, एंटर दिस। इसके अंदर क्या? अच्छा, अंदर को। ठीक है, ओके। अब ये क्या है? ये तो ज्वालामुखी वाला बना रखा ना आपने, वोल्केनो। इससे क्या होता है? इससे हमारा जो वोल्केनो, ये हमारा ऐसे उछल के जब हमारा दिखेगा तो ये हमारा प्रोसेस होता है। और ये हमारा हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये कलेक्शन करता है सारे वाटर्स को, मतलब बहुत सारे पानी ये हमारे ग्राउंड वाटर में जाते हैं। जैसे कि हमने इसमें अभी पानी डाला, वो लाइट का था बैटरी, अगर इसमें पानी डालेंगे तो ये पाइप के थ्रू जाएगा, ये सारा पानी इस पाइप के थ्रू यहाँ पर जाएगा, उसके बाद ये मुझे जाने रहा। कहाँ जा रहा है? इसका बैलेंस ना ऊपर हो गया आपका, इसका थोड़ा लेवल आ गया। अच्छा, वहाँ भी पानी आ रहा है ना। ठीक है ठीक है, और जैसे वो यहाँ पर ही आएगा तो इसके अंदर पूरी रूट्स मिल जाएगा और उसके बाद जो थोड़ा सा पानी बचेगा वो हमारा ग्राउंड वाटर में बन जाएगा। ओके ओके, आप बताओ बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, जैसे कि प्लांट्स होते हैं ट्रीज, उनमें इस तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें ये सब होते हैं प्रेजेंट। इतना ही है? नाम क्या है? माय नेम इज श्रेय। जस्ट जोर से बोलो। श्रेय धीमान। माय नेम इज श्रेय धीमान फ्रॉम क्लास 9। ओके, आप बताओ। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज महेशा जोशी फ्रॉम क्लास 10 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू दिस इंफिनिटी रोड। And if you look through this hole, you are able to see the many cars and road up to very long distance. This is because two mirrors are kept parallel to each other and they form infinite number of images. अरे distance देखने के लिए यहाँ से करना है या उधर से देखना है? यहाँ से देख। यहाँ से ना? अच्छा, तो मतलब इनका distance बहुत आगे दिखेगा है ना? Okay, very nice, बहुत बढ़िया बना रखा है ये तो। Thank you आंटी। देखना। देखिए कितना प्यारा बना रखा है दीदी ने, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इतनी नजदीक और वहाँ पे ऐसे दिखी, उतनी दूर तो होंगे यार, ज़्यादा भी दिख रही हैं। यही दे रहे, उसमें लगना था यही वाला ग्लास जो शीशा है ना, वही लगना था कैमरे पे।
चल आ गया। ये किसका है? आ जाए बेटा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपना नाम बोलो। नेम रोशनी, क्लास 10th है। ओके बताओ। दिस इज अ मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिस इज अ टेक्निकल एंड प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टोर। दिस इज स्टोर वाटर एंड यूज इन फ्यूचर। थैंक यू। ओके मतलब वाटर स्टोर करने का वो है ना। ओके ओके किसका है ये? आप गए बच्चों? जो इनका है वो आई। बोलो बेटा अपने बारे में। ये डी हार्ट है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है लेफ्ट एट्रियम, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी के बॉडी में सर्कुलेट। ओके टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आपने देखा ये है? चलो बोलो बेटा। दीज आर द टाइप्स ऑफ पेटल्स। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ पेटल्स। ये कैंडल किस चीज के हैं? मतलब की एस्टिमेशन इन कोला। अच्छा, आपने देखा होगा जो फूल्स होते हैं वो उनकी पत्तियां कभी जुड़ी हुई होती है, कभी नहीं जुड़ी होती, कभी ओवरलैप होती है, तो ये दीज आर मॉडल ऑफ एस्टिमेशन। ये किसका है नाम बताओ आपने? निखिल। निखिल आगे क्या हुआ? क्लास 8। निखिल कुछ है आगे? हाँ निखिल रावत। रावत ना? हाँ पूरा बोलना निखिल रावत। अरे गर्व से बोल, उत्तराखंडी है ना। हाँ फिर जोश होना चाहिए जरा। हाँ बोल बताइए। वाटर में जब हमारे जब किसी वाटर का लेवल बढ़ जाएगा है ना, तो तब ये बजर बच जाएगा जिससे जितना लेवल रखना था उतना रहे, जैसे हम टैंक्यू में लगाते हैं वही है ना। ओके इसके बारे में कौन बोलेगा? मेरे दोस्त का है। है नहीं मान। चलो गाइज, मिस्टी और मैं आ रहे हैं मिस्टी के स्कूल से, उसके लिए ड्रेस लेके, उसकी मीटिंग अटेंड करके और उसकी फीस भर के। लेट्स गो। मिस्टी कैसा लगा तुझे? अच्छा। आज नानी आए ना तेरे स्कूल में मीटिंग में, कैसा सरप्राइज लगा तुझे? अच्छा तो फोन कराने वाली थी? अरे तो नानी को भी घर में बेटा टाइम लग गया ना, नाश्ता वास्ता बनाया, फिर उसके बाद नहाई मैं, फिर आई, फिर मैं तुम्हारे घर गई, फिर मैंने कहा भाई फटाफट चल जा। ओके सो गाइस, आई होप आपको आज के नानी और बेटी के वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अब हम आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।